सबसे पहले हम प्ले स्टोर पर आ जाएंगे। प्ले स्टोर पर आने के बाद हमें सर्च करना है एंजल ब्रोकिंग ऐप। एंजल ब्रोकिंग ऐप सर्च करने के बाद आपको जो ये सामने सिंबल दिखाई दे रहा है, इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद हम इसे यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आईडी पासवर्ड मांगी जाएगी आपसे, तो आईडी पासवर्ड डाल के हमें यहाँ लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपके सामने ये पेज लॉगिन होने के बाद आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पर सामने आप लोगों के माई वॉच लिस्ट का सेक्शन है। तो हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपनी वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर ऊपर में जो ऑप्शन दिया हुआ है प्लस का साइन और बगल में वॉच लिस्ट लिखा हुआ है, हम इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद नया पेज ओपन होके सामने आ जाएगा। यहाँ पर एड वॉच लिस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपने नाम से कोई भी वॉच लिस्ट बना सकते हैं। जैसे मैं ए नाम से एक वॉच लिस्ट क्रिएट करके दिखा देता हूँ आपको। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेज आ गया, वॉच लिस्ट एडेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर ओके कर लेंगे। अगर आपको ये वॉच लिस्ट आपके इनिशियल बाय डिफॉल्ट चाहिए ये वॉच लिस्ट, तो आप यहाँ स्टार का जो साइन दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। स्टार के साइन के ऊपर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं मैं जैसे ही बैक जाता हूँ तो वॉच लिस्ट माई वॉच लिस्ट से हटकर मेरे ए ग्रुप वाले वॉच लिस्ट के ऊपर आ गया है। अब यहाँ पर शेयर कैसे ऐड करना है, तो शेयर ऐड करने के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिया हुआ है, या तो आप टाइप करके ऐड कर लीजिए, दूसरा ऑप्शन या तो आप यहाँ वॉइस के थ्रू आप ऐड कर सकते हैं। जहाँ गूगल वॉइस आपका यूज होगा तो आप बोल के भी कोई भी शेयर ऐड कर सकते हैं। आपको मैं एक शेयर ऐड करके भी दिखा देता हूँ। SBI का शेयर है, यहाँ पर मैंने ये ऐड कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं वॉच लिस्ट में ये लग चुका है। वॉच लिस्ट में लगने के बाद किसी भी शेयर को बाई या सेल करने के लिए सबसे पहले आपको पैसे डालने होंगे इस एप्लीकेशन में। तो पैसे डालने का प्रोसेस मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। सेकंड लास्ट ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है फंड्स का, इसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नया पेज ओपन होके आ जाएगा और यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं नीचे में आ रहा है ऐड फंड का, तो ऐड फंड के ऊपर क्लिक कर लेंगे। ऐड फंड्स के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने तीन ऑप्शंस दिखाई देंगे, नेट बैंकिंग, UPI, गूगल पे। ये तीनों ही ऑप्शन में कोई भी एक ऑप्शन आप चूज करके आप अपने डीमैट अकाउंट में फंड ऐड कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट के थ्रू। उसके लिए आपको नॉर्मली ऊपर में ये अमाउंट डालना होगा, जैसे मैं 1000 रुपीज़ यहाँ पर डाल के आपको एक गूगल पे के थ्रू आपको प्रोसीड करके दिखा देता हूँ। ये डायरेक्टली आपको गूगल पे के पेज पर ले जाएगा और वहाँ पर जाने के बाद आपको अपने गूगल का पासवर्ड डाल के उसे कंफर्म करना होगा। यहाँ गूगल का पिन डालने के बाद आप इसे प्रोसेस कर सकते हैं। मैं फिलहाल अभी इसे प्रोसेस नहीं कर रहा, तो मैं अभी फिलहाल इसको बैक कर लेता हूँ, पीछे आ जाता हूँ। इस प्रोसेस के थ्रू आप अपना फंड ऐड कर सकते हैं और उसके बाद हमें वॉच लिस्ट में आ जाना है। जैसे ही आपको यहाँ पर टोटल फंड्स में आपका अमाउंट दिख जाएगा तो अब हमें यहाँ वॉच लिस्ट में आ जाना है। वॉच लिस्ट में जैसे हमने SBI को ऐड करके रखा हुआ था, वैसे ही हम अपने पसंद के जितने भी शेयर हैं उन्हें ऐड कर सकते हैं और भी ज़्यादा वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं सेम पहले प्रोसेस से जो मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया है। तो मैं अब ये बता देता हूँ SBI को परचेस या सेल कैसे कर सकते हैं आप कोई भी शेयर को। SBI के ऊपर मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। SBI के ऊपर क्लिक करते ही एक विंडो ओपन हो गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नीचे में यहाँ पर बाई सेल दोनों का ही ऑप्शन है। तो मैं बाई के ऊपर पहले क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे क्वांटिटी आपको कितनी बाई करनी है। तो मैं यहाँ पर 100 क्वांटिटी डाल देता हूँ। क्वांटिटी डालने के बाद आपको नॉर्मली प्राइस डालना है या नहीं डालना है तो आप मार्केट को सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपको प्राइस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिमिट अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको प्राइस डालना पड़ेगा कि किस रेट में आप परचेस करना चाह रहे हैं। उसके नीचे छोटा सा ऑप्शन दिया हुआ है प्रोडक्ट टाइप का, तो प्रोडक्ट टाइप में तीन ऑप्शन है, डिलीवरी, इंट्राडे, मार्जिन। डिलीवरी में अगर आप परचेस करते हैं कोई भी शेयर तो वो शेयर आपके लाइफ टाइम आप रख सकते हैं, कभी भी आप उसे सेल आउट कर सकते हैं। इंट्राडे में सेम डे में जिस दिन आप खरीदेंगे 3:10 तक उस शेयर को बेचना होगा। अगर आप नहीं बेचते तो वो शेयर ऑटो स्क्वेयर अप मोड में चले जाता है, कंपनी के हेड ऑफिस से आपका शेयर सेल हो जाता है। मार्जिन में आप
आते हैं तो मार्जिन में यहाँ प्रोडक्ट का जो यूज है आपको मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास 1,000 रुपये मान लीजिए आपने ऐड किया हुआ है, तो 1,000 के बिहाफ में आप 4 टाइम्स तक यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं, बाई अप टू 4 टाइम क्वांटिटी विथ जस्ट 0.049% इंटरेस्ट पर डे। ये T+5 के लिए रहता है, ट्रेडिंग के 5 दिनों के लिए ही आप इसे होल्ड कर सकते हैं। और अगर आपने 1,000 रुपये डाले हैं तो 4,000 रुपये तक का स्टॉक आप परचेस कर सकते हैं और 5 दिनों तक के लिए रख सकते हैं, लेकिन उस पर आपको इंटरेस्ट लगेगा पर डे के हिसाब से 0.049%। अब यहाँ पे हमें सिंपली नीचे में बाई के ऊपर क्लिक कर देना है, और जैसे कंफर्म बाई आ रहा है तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपको चार्जेस देखने हैं तो एप्लीकेबल चार्जेस यहाँ पर दिए हुए हैं, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। आपको ब्रोकरेज कितनी लग रही है, आपका ट्रांजैक्शन चार्ज कितना है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कितने लग रहे हैं, डीमेट के ट्रांजैक्शन और डीपी चार्जेस कितने लग रहे हैं, सेबी टैक्स कितना है, स्टाम्प ड्यूटी टैक्स कितना है, यहाँ पूरे ओवरऑल जितने भी टैक्सेस लगते हैं गवर्नमेंट के, यहाँ पर आपको मोटा मोटी एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपके टोटल परचेस पे आपको कितने टैक्सेस देने पड़ रहे हैं। अब मैं इसे बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद कन्फर्म बाई के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। ऑर्डर यहाँ पर रिजेक्ट हो गया है ड्यू टू इनसफिशियंट फंड, तो फंड मैंने अभी ऐड नहीं किया था। अगर आपने फंड ऐड किया रहता तो ये ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाता। ऑर्डर बुक में आप जाकर ये चीज चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है और कौन सा ऑर्डर रिजेक्ट हुआ है। सेम चीज आप सेल के लिए भी करेंगे। SBI के ऊपर क्लिक करेंगे, सेल का ऑप्शन है, सेल के ऊपर क्लिक कर लेंगे, क्वांटिटी डालेंगे, प्राइस डालेंगे और यहाँ पर सेल के ऊपर क्लिक करके कन्फर्म सेल सबमिट करेंगे। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता है, तो जो भी बिगनर्स हैं या जो नए हैं शेयर बाजार में, तो उनके लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा टूल दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे SBI के शेयर कैसे रहेंगे आपके लिए, आप इसको एनालाइज मोटा मोटी कर सकते हैं। शेयर के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर नीचे में जो ऑप्शन दिया हुआ है स्टॉक डिटेल्स का, इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। स्टॉक डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ ओवरऑल ओवरव्यू आपको मिल जाएगा शेयर्स का, तो टुडेज प्राइस समरी यहाँ से दिख जाएगी, शॉर्ट टर्म ड्राइव्स कैसा है इसका, लॉन्ग टर्म में शेयर कैसा रह सकता है यहाँ से आप देख सकते हैं। जस्ट बगल में टेक्निकल्स दिए हुए हैं, तो टेक्निकल्स के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से मोटा मोटी एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि शेयर में अभी फिलहाल बाइंग चल रही है या सेलिंग चल रही है। जस्ट बगल में डेरिवेटिव्स दिया हुआ है, तो डेरिवेटिव्स के अभी ऊपर हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा डीप नॉलेज हो जाएगा, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो एक बना के दे दूंगा। जस्ट बगल में आप फंडामेंटल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टॉक की क्वालिटी, वैल्यूएशन, फाइनेंशियल ट्रेंड कैसा है, ओवरऑल स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर कितना आ रहा है, स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा है, सेक्टर वाइज कितना परसेंट का रिटर्न मिल रहा है और स्टॉक कितना रिटर्न दे रहा है पिछले 1 साल में, यहाँ पर आप मोटा मोटी एक ओवरव्यू देख सकते हैं। तो एक छोटे से एप्लीकेशन में आप बात करेंगे कि काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाती है कि किसी भी स्टॉक को परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, स्टॉक आपके लिए इन फ्यूचर में आपको रिटर्न बना के दे सकता है या नहीं दे सकता। वॉच लिस्ट के बगल में जस्ट पोर्टफोलियो का सेक्शन है, तो पोर्टफोलियो के ऊपर हम लोग आके देख लेते हैं। यहाँ पर आपके जो भी इन्वेस्टमेंट रहेंगे इक्विटी में, बॉन्ड में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, आप यहाँ से उसकी पोजीशंस देख सकते हैं। डे बाय डे प्रॉफिट और लॉस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और उसके हिसाब से आप वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जस्ट बगल में ऑर्डर्स का सेक्शन दिया हुआ, ऑर्डर्स मैंने आपको जस्ट अभी बताया है कि जो भी ऑर्डर आप पंच करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं, जो भी पेंडिंग और रिजेक्टेड ऑर्डर्स हैं यहां पर आप देख सकते हैं। जस्ट बगल में पोजीशन का ऑप्शन है, पोजीशन में आप डे बाई डे की पोजीशन देख सकते हैं कि आपने आज के डेट में कौन सी चीज़ खरीदी या बेची, तो यहाँ पर आप वो डेटा देख सकते हैं। फंड्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, और सबसे लास्ट यहाँ रिसर्च का ऑप्शन है, तो रिसर्च में यहाँ पर ARQ प्राइम दिया हुआ है। अगर आप लोग नया अकाउंट ओपन करते हैं तो नए अकाउंट के साथ ARQ प्राइम 1 महीने के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है नया अकाउंट ओपन करने के लिए। डीमेट अकाउंट अगर आप ओपन करना चाह रहे हैं एंजल ब्रोकिंग के साथ, तो उस लिंक के थ्रू जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
कुछ और चीजें यहाँ पर दी हुई है मेन्यू बार में, आप लोग देख सकते हैं काफी कुछ मैंने डिस्कस कर दिया है ऑलरेडी। ट्रेड के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ और अलग से ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे आईपीओ है, आईपीओ में आप यहाँ से बिड कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। स्टॉक एसआईपी, किसी भी शेयर में अगर आप एसआईपी करना चाह रहे हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ स्टॉक एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं। मार्जिन कैलकुलेटर, किस शेयर में कितना मार्जिन मिल रहा है एट ए टाइम, आप यहाँ मार्जिन कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑप्शन सिंप्लीफाइड में आप किसी भी शेयर का या बैंक निफ्टी या निफ्टी का ऑप्शन का डेटा, ऑप्शन चैन यहाँ पर बहुत ही आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। ए आर क्यू एडवाइजरी, इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग वीडियो सेक्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, सेम चीज जो मैंने अभी बताया, आईपीओ और एफपीओ का, ओएफएस, ऑफर फॉर सेल, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो भी आते हैं आप यहाँ इसके थ्रू आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और लास्ट यहाँ पर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप भी गूगल के शेयर, टेस्ला के शेयर, एप्पल के शेयर अगर परचेस करने के शौकीन हैं, तो यहाँ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। इसके थ्रू जाकर आप बाहर के मार्केट में, यूएस मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।